बारनमूर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ने नामांकन भरा। नरेंद्र कुमार के साथ कांग्रेस युवा शक्ति और महिलाएं काफी संख्या में दिखी। सभी युवा नारे लगाते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। सभी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर अस्वस्थ दिखे। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 भाजपा का गढ़ है और यहां पिछले 25 वर्षों से भाजपा की प्रत्याशी ही जीतकर हासिल कर रही है। नरेंद्र कुमार पहली बार चुनाव में उतरे हैं और वह इस वार्ड में बदलाव कर विकास करवाना चाहते हैं। नरेंद्र कुमार ने कहा कि उनके वार्ड में 25 वर्षों से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके चलते शहरवासियों में काफी रोष दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि बाढ़ का संपूर्ण विकास हो। पहले तो मैं टिकट के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का शुक्ला जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनका धन्यवाद करूंगा, शांडिल जी का है, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और रही बात वार्ड की, तो वार्ड में तो हमारे कुछ हुआ ही नहीं है। आपने भी लाइव किया है वहाँ पे, आपने भी देखा है जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, उससे लोग वंचित हैं, जैसे कि पानी की, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज वहाँ नहीं है। आपको पता है वहाँ पे 25 साल के हिसाब से वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। जनता उनसे महरूम है। जैसे ही मैं अगर आता हूँ, जनता मुझे लाती है, तो सबसे पहले यही काम जो लोगों की मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको मैं प्रोवाइड करूँगा। लोगों के बीच में रोष है, जो लोग चाहते थे वो उन्हें मिला ही नहीं है। वही कहते हैं मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए, वो मिली नहीं है लोगों को, इसलिए लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। हमारे जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने कहा कि जो एम्बुलेंस रोड है वो भाजपा के नेताओं ने बनाया है। गलत बात है। शांडिल जी ने अपने निधि में से वो पैसे दिए हैं, उन्होंने वो बनाया है, उसका रख रखाव भी वो नहीं कर पाए जो हमारे नेता हैं। तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल गीताराम जी हैं, इनको भी पता है, सबको पता है, ये जो उसका रख रखाव भी नहीं रख पाए और अपने निकम्मेपन को छुपा रहे हैं, हैं, और जनता में ये बोल रहे हैं कि इसे बीजेपी के नेताओं ने बनाया। गलत बात है, बहुत गलत बात।